तो कहाँ कहाँ से आप आई हैं? देखिए ये दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये हर हर महादेव सेवा मंडल समिति के द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जिनके लिए जो आयोजन किया जा रहा है, क्या उनको उसका लाभ मिल रहा है? तो भाई अब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छी सुविधा है, हर हर बोले, हर हर महादेव। मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। हाँ तो दिल्ली से और पैदल ही पैदल? नहीं, गाड़ी से आए हैं, लेकिन यहाँ से हरिद्वार से अब दिल्ली तक पैदल की यात्रा है। हाँ जी, तो इतने किलोमीटर पैदल चल लेंगी? हाँ जी, रोहिणी सेक्टर 38। कौन आशीर्वाद है हमारे ऊपर? अगर हम तो घर से तो माचिस के लिए भी नहीं निकलते, बाबा का आशीर्वाद है तो बस हम तो हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। हम तो हम चाहते हैं कि कृपया भगवान सबों को ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे कि खुशी मंगल सबको अपने अपने घर भेजा, टाइम से भेजा, और सब अपने बस ये है कि अपने कर्म होने चाहिए, कर्म सबों के सब यही नज़र आते हैं। सब अपने अपने तरीके से जाएंगे, मेहनत करते हुए जाएंगे, भोले बाबा का नाम लेते हुए जाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं, भोले बाबा सबको अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचाए। बोले 3 साल पहले आए थे ये अपने फैमिली के साथ, पूरी बिग फैमिली, 2 बच्चे हैं और क्या नाम है, मियाँ बीवी है साथ में मेरे को, और मैं भी हर साल ही आता हूँ। मतलब पहले अपने ग्रुप के साथ आता था, इस बार ग्रुप नहीं आया, तो इस बार मेरे मामा मामी हैं खास, ये माई है, वो हमारे मामा है वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि जो भोले की मस्ती में बहुत से लोग जाते हैं, और जब मैंने कहा कि जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाओं को देख सकते हैं आप, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है उन कांवड़ियों के लिए जो बहुत दूर से आते हैं, माँ गंगा का जल लेते हैं, कांवड़ लेते हैं और उसे लेकर के पूरी यात्रा करते हैं। उस यात्रा के दौरान जितने भी समाज सेवी हैं वो जनता के सेवा के लिए, कांवड़ियों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। जब आप कांवड़ियों की सेवा करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर स्वयं ही बनेगा, ये सभी चीज़ें रहेंगी। और द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको कांवड़ यात्रा 2022 से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन देगा। हरिद्वार जिले में जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी, उन सभी परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देता रहेगा, कांवड़ियों से भी बात कराएगा। इन सब चीज़ों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।